Good afternoon, class. Today we are going to see some problems from chapter 5, that is periodic classification of elements. Students, we will see two or three questions which came in long answer type category in your board examination. Okay, so here you can see the very first question, that is the position of three elements A, B and C in periodic table are shown below. So here you can see the three element. A is here in group 17, C is also here in group 17 and B is here in group 16. So number group is given, group number 16 and group number 17, and here are the elements. Now students, let us see what are the question. So very first question is, state whether A is metal or non-metal. So students, when we have seen the metallic characters, okay, you can correlate it with the lecture of metallic character. So we have seen there that towards the right of the periodic table there are non-metals. हमने देखा था कि periodic table के right side में क्या मिलते हैं हमें, non-metals. तो अगर हम students अपने periodic table को ऐसे बनाते हैं in this manner, तो हम यहाँ देखते हैं हमारे लेफ्ट में तो मेटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ से जो ये zigzag लाइन होती है, इस zigzag लाइन में हमारे मेटलॉइड्स मिलते हैं और इधर हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 18 हमारा सबसे लास्ट है, जो कि आपके नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. जस्ट इसके बगल में ग्रुप 17 है जिसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे एलिमेंट्स आते हैं. तो ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप 17 को, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये एलिमेंट है ए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेटल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड पार्ट. स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए. अब स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि जो सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ सीधे देख सकते हैं सी जो है सीधे लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो वो डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. ओके, तो अगर हम ग्रुप 17 की ही बात कर रहे हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटम का साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है और इनकी रिएक्टिविटी कम होते जाती है. जितना फ्लोरीन रिएक्टिव होगा उससे कम रिएक्टिव आपका आयोडीन होगा. ठीक है, तो सी जो है लेस रिएक्टिव होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल बी लेस रिएक्टिव देन ए. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स आप अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इसमें भी आप देखते हैं कि लीथियम हो गए, सोडियम हो गए, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इवन ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है. नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज. पूछ रहा है सी लार्जर साइज का होगा कि स्मॉलर साइज का होगा. तो स्टूडेंट्स आपको सीधे बताया गया है एटॉमिक रेडियस और उसका ट्रेंड, कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं. ठीक है, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती हैं तो एटॉमिक साइज भी क्या होता है, बढ़ता है. तो सी का एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, लार्जर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए. एलिमेंट ए कैसे टाइप का कैटायन एनायन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ के लिए भी आप सीधे अजम्पशन लगा सकते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जा रही है, बढ़ रही है. ठीक है,
लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं, जब हम इधर से इधर आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस वजह से सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, विल बी स्मॉलर देन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी क्या हो जाएगा, बी से स्मॉलर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सॉरी, ये सी का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द डी पार्ट इज विच टाइप ऑफ आयन कटायन और एनायन। ये पूछा है कि कैसा कटायन एनायन ये फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके इसके मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे ही जज करना है। अगर बात कर रहा है ए की, तो हमने देखा था जब हम आप मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ये मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और किस स्टेट में आ जाएगा, ए माइनस। मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, एनायन। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर देगा, एनायन। कैसे स्टूडेंट्स, आप यहीं पे देख लीजिए। अगर आप सपोज करिए पहला हमारा फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। अगर आपको दिमाग में नहीं भी आता है तो आपको बस ये याद रखना है कि ग्रुप 17 की तरफ मेटल्स हैं, और मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सी एल की अगर बात करें 287, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सी एल माइनस में, ठीक है। अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 288, ऑक्टेट इसका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ऐसे कई सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसके पास दो शेल है। तो आप सीधे समझ सही जाइए कि ये किस पीरियड की बात कर रहा है। अगर दो शेल हैं तो ये जिस पीरियड की बात कर रहा है वो आपका सेकेंड पीरियड है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। अब कह रहा है टू सेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, और दोनों सेल क्या हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो स्टूडेंट्स पहले आप ये जानिए, अगर हम K और L शेल को डिवाइड करें, K में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, L में 8, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि जो हमारी नोबल गैसेस होंगी उसी में जो है सारा कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, फर्स्ट पीरियड में आपके हाइड्रोजन हीलियम हो गए, सेकेंड पीरियड में आपके हो गए लिथियम बेरीलियम मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट। तो अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो 1s2, 2s में 1 हो जाएंगे, बेरीलियम में आएंगे 2 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये किसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी नियॉन की। इनर सेल में 2, आउटर में 8, ठीक है। तो ए का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नियॉन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। आपको इस एलिमेंट को बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है। तो स्टूडेंट्स आप इसे काउंट कर लीजिए, 8, 2, 10 एंड 12। 12 किसका है, तो आप अच्छे से जानते हैं ये किसका है, मैग्नीशियम का है। मैंने आपको बोला था कम से कम आप 1 to 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। बोल रहा है कि 3 शेल्स हैं, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप सीधे या तो ड्रॉ करिए या तो सीधे 3 सेल्स को लिख लीजिए। 3 सेल्स आपकी हो गई के एल एम। बोल रहा है आउटर मोस्ट सेल में 4 ही है, आप काउंट कर लीजिए 8 to 10 4 14। तो 14 किसकी कन्फिग्रेशन होती है, 14 होती है सिलिकन की। तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सिलिकन। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डी पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, अ टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। दो ही सेल है और वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कितने हो गए ऐड करके, 5 हो गए। तो 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, बोरॉन का। तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दुगने हो जा रहे हैं फर्स्ट सेल के कंपैरिजन में।
तो आप सीधे स्टूडेंट्स कर लीजिए, या आप दो, इसमें दो तीन तरीके से बन सकता है, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट सेकेंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। तो इसमें आप कई एलिमेंट्स बना सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने, वेट स्टूडेंट्स, ये हमारा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, के में आप जानते हैं टू फुलफिल हो जाएगा तभी एल में भरेगा, और ये बोल रहा है कि पहले सेल में दूसरे, मतलब दूसरा सेल जो है, जो भी दूसरा हुआ ठीक है, वो पहले का दुगुना है। तो अगर हम पहले में दो रखें, एल में चार रख दें, ये किसकी कन्फिगरेशन होती है, सिक्स एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, ठीक है स्टूडेंट्स। या तो यहाँ पे कार्बन आराम से फुलफिल कर ले रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे क्या लिख देंगे, कार्बन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।